जी सर बताइएगा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा इमरान एहलिया इमरान खान साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की आज जमानत बाद अस गिरफ्तारी तोशाखाना 2 में आज लगी हुई थी, जिसपे बाकायदा समाप्त जो है वो जमानत पर मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में कुछ देर पहले हुई, जिसमें सबसे पहले तो इस्तदा सरकार की जानिब से आई कि इसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ और तारीख की इस्तदा थी जिसको मुस्तरद करते हुए जज साहब ने केस सुनना शुरू कर दिया और ये अहकाम दिए कि आप इस मुकदमे में कल जिसने भी पेश होना है उनके साथ या उनके बगैर कल इस पर फैसला जो है वो सुनाया जाएगा तोशाखाना के इस केस में। याद रहे कि ये तोशाखाना की बार बार प्रोसिक्यूशंस की जा रही हैं और इससे सब लोग बोर हो चुके हुए हैं इस मुकदमे से, क्योंकि कभी भी किसी केस की फ़ोटोकॉपियाँ नहीं निकाली जाती। सो ECP ने इमरान खान साहब को तोशाखाना पे प्रोसिक्यूट ऑलरेडी करके सजा दे रखी है। नैब ने ग्राफ सेट पर ऑलरेडी तोशाखाना में 14-14 साल सजाएं सुना चुकी है, जो सजाएं सस्पेंड हो चुकी है और उसके बाद अब एक ज़मानत भी थाना कोसार में इस वक्त चल रही है बुशरा बीबी की, वो ज़मानत भी एक इसी तोशाखाना से रिलेटेड उसकी सेल परचेज़ के हवाले से। सो एक मुकदमे की इतनी दफ़ा प्रोसिक्यूशंस पे बड़ी ममानियत और बड़ी प्रोटेक्शन है, आईनी प्रोटेक्शन भी है आर्टिकल 13 की और CRPC की सेक्शन 403 की भी है कि एक ही ट्रांजैक्शन, एक ही जो अलेज्ड ट्रांजैक्शन है वो एक मुकदमे में ट्राई होती है, ना कि उसको आप बाइफरकेट करके सब डिवाइड करके उसकी सब डिविजन्स हों और एक मुकदमे को बार बार प्रोसिक्यूट किया जाए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बुशरा इमरान तमाम मुकदमात में इस वक्त या बरी हो चुकी हैं या उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं या वो डिस्चार्ज हो चुकी हैं या ज़मानतें उनकी कन्फर्म हो चुकी हैं और सज़ाएँ मुअत्तल हो चुकी हैं। ये आखिरी मुकदमा उनके ऊपर रह गया है तोशाखाना का, जिसको लिंगर ऑन किया जा रहा है ताकि वो जेल से बाहर ना आ सके। ये तो एक खातून है, अब जैसे आप सब के इल्म में कि तकरीबन सारी खवातीन इमरान खान साहब की फैमिली की इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं। आप के इल्म में बुशरा इमरान के साथ साथ अलीमा खान और उज़्मा खानम भी जो हैं वो भी इस वक्त दहशतगर्दी की अदालत से उनका रिमांड लिया जा चुका है और लंबा रिमांड लिया जा रहा है और उन्होंने कोई जुर्म जो है वो नहीं किया। उनका शायद वाहिद कसूर ये है कि वो अपने भाई के केसेस की पैरवी करती हैं और अदालतों में आती हैं, उनको भी इस वक्त। सो इमरान खान साहब खुद, उनकी एहलिया, उनकी बहनें और उनका भांजा, ये दिस इज़ व्हाट आई कैन थिंक ऑफ ऑन टॉप ऑफ माई माइंड के ये फैमिली मेम्बर्स इस वक्त अरेस्टेड हैं। मगर जितनी भी प्रोसिक्यूशंस इमरान खान साहब या उनकी फैमिली पर हुई, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि सब प्रोसिक्यूशंस में सरकार ने बहुत स्ट्रगल किया कि कोई क्रिमिनलिटी साबित हो, कोई जुर्म साबित हो, मगर किसी भी मुकदमे में, चाहे वो साइफर हो, चाहे वो इद्दत निकाह हो, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, चाहे वो 9 मई हो या अब वो चाहे तोशाखाना 2 हो, वन तोशाखाना की इतनी किस्तें हैं कि इतने ड्रामों की किस्तें नहीं होती जितनी तोशाखाना केस की किस्तें हैं। और ये केस नैब से अब FIA को आ चुका है और इसमें हम बहुत उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह कल बुशरा इमरान के बिहाफ़ पर जब सबमिशन्स मुकम्मल हो जाएंगे तो बहुत उम्मीद हैं कि उनकी ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उनको अलाउ करेगा और उनको रिलीज़ करेगा। सुप्रीम कोर्ट की बैक टू बैक जजमेंट्स हैं कि ख़वातीन के लिए स्पेशल रियायत है, स्पेशल कंसेशंस हैं और उनको फेवरेबली उनके केसेस को देखा जाता है। तो ये जुर्म क्या है, इसकी सज़ा क्या है? और जैसे आज जज साहब ने अपने कुछ रिमार्क्स दिए कि सरकार से हम पूछना चाहेंगे कि वो कब तक इनको अंदर रखना चाहती है। सो कहना ये चाहते हैं कि लीगल टीम ने इमरान खान साहब की, बुशरा इमरान की, जितने कानूनी मुकदमे थे वो तो सारे ख़त्म कर दिए। मैंने कानूनी मुकदमे इसलिए कहे कि कानूनी मुकदमों में ज़िद का मुकदमा नहीं होता, तो अब ज़िद का मुकदमा पीछे बकाया रह गया है। जहाँ तक जो जो जुर्म हमारे सामने आते थे, जो जो मुकदमे लीगल टीम की टेबल पे रखे गए, वन टू ऑल सब केसेस सक्सेसफुली एक्सपोज हो के, इक्विट हो के, सज़ाएँ मुअत्तल हो के, सब मुकदमे ख़त्म हैं। तो ये एक अपडेट भी है, काफ़ी दिनों से एक अपडेट नहीं दी थी कि इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के केसेस कहाँ खड़े हैं। एक हेयरिंग की मार है, एक हेयरिंग की मार है और कोई नया मुकदमा ना हो तो फौरी रिलीज़ इमरान खान साहब की भी है और बुशरा इमरान की भी है। सो मैं, मेरे साथ इश्तियाक साहब खड़े हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कुछ इस पर अपडेट जो है वो दें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतौर सदर आयल ऑफ पाकिस्तान मैं इतना कहूँगा कि जैसे सलमान ने कहा कि वी आर फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, कि किसी तरह से कोई ऐसा मुकदमा ही निकल आए जिसमें कोई जुर्म बनता हो, लेकिन जो केस आता है वो हवा में उड़ दिया जाता है। और सबसे जो बड़ी बात है, इस वक्त इमरान खान साहब की मुलाकात पे पाबंदी लगा दी है। इस मुल्क में इमरजेंसी से बुरे हालात हैं, जेल में वकील को मिलने की इजाज़त हर वक्त होती है। आप देखें पंजाब के जो केसेस हुए, इस्लामाबाद में जो केसेस हुए, ये एहतजाज के ऊपर आधी से ज़्यादा FIR जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर स्टोरी टेलिंग होती है, और उसके बाद कोई जुर्म ना बनता है और उनमें हमारे बेगुनाह वर्कर्स को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। आप देखें कि इन हालात में अगर इमरान खान साहब की हमने बेल करानी है, हमने उनकी 109 पे भी हो तो हमने उनकी बेल करानी है, तो उनका बुनियादी आईनी हक है कि उनको उनके वकला तक एक्सेस दी जाए। और कुदरत की तखलीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या सालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराहे रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।